आप अगर एक जगह खड़ा है माननीय थाना प्रभारी महोदय यानी स्पष्ट यादव कंपनी के तरफ से आए हैं, आप लाठी चार्ज का वेट कर रहे हैं। पुलिस यदि एक जगह खड़ा रहती है उसका मतलब यही होता है, अगर आप सुरक्षा कर्मी आए हैं तो देखिए इधर गदर है, कोई दुश्मन इधर से भी हमला कर सकता है, इधर से भी हमला कर सकता है, इधर से भी कर सकता है। आप अपनी टीम को चारों तरफ भेजिए, अगर एक जगह खड़ा रहेगा तो पहला सवाल आपसे ही होगा कि आज आप सुरक्षा के लिए नहीं, आज आप कंपनी के दबाव में लाठी चार्ज करने के लिए। लेकिन एक सवाल है, पहला सवाल तो स्थानीय थाना प्रभारी महोदय से है, एकर से पहले जब भी हमें चंदन क्यारी चास में सभा, चूंकि हिंदी में कहे चाहे शायद अपनी अपनी भाषा बोलते कि नहीं, बुझाना जरूरी है, हिंदी में कहा के लिए पहला संबोधन स्थानीय थाना प्रभारी महोदय के लिए। तो सबसे पहले स्थानीय थाना प्रभारी महोदय अपनी टीम के साथ दल बल के साथ आए हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत आभार करते हैं, लेकिन बुरा नहीं मानिए छोटी मो बड़ी बात, चंदन क्यारी चास हम जब भी आए हैं प्रशासन की टीम से हमको सुरक्षा महसूस हुआ है, लेकिन आज ऐसा लग रहा है यदि आप लोग सुरक्षा के लिए आए हैं तो एक जगह नहीं आपको चारों तरफ खड़ा रहना चाहिए था। आप अगर एक जगह खड़ा है माननीय थाना प्रभारी महोदय यानी स्पष्ट यादव कंपनी की तरफ से आए हैं, आप लाठी चार्ज का वेट कर रहे हैं। पुलिस यदि एक जगह खड़ा रहती है उसका मतलब अगर आप सुरक्षा कर्मी आए हैं तो देखिए इधर गदर है, कोई दुश्मन इधर से भी हमला कर सकता है, इधर से भी हमला कर सकता है, इधर से भी कर सकता है। आप अपनी टीम को चारों तरफ भेजिए, अगर एक जगह खड़ा रहेगा तो पहला सवाल आपसे ही होगा कि आज आप सुरक्षा के लिए नहीं, आज आप कंपनी के दबाव में लाठी चार्ज करने के लिए। खैर आपका जो भी इरादा है, क्योंकि आप भी अपना ड्यूटी को बचाने के लिए हैं, उसमें दोषी आप नहीं हैं। आपकी भावना का सम्मान करते हैं, आपकी नौकरी का भी सम्मान करते हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो 12 महीना से बोल रहे हैं, आज कैसे छोड़ देंगे। दूसरी बात, चूंकि इसके बाद हम अपनी भाषा में बात रखेंगे, तो चूंकि चालू किए हैं मात्र राष्ट्र भाषा में तो बात कर ही लेते हैं, क्योंकि आज अगर आपको फील हो रहा है, क्योंकि जैसा कि सुबह हम देखे यहाँ मेरा सभा था और 25 को नौजवान को आदेश आता है 107 के माध्यम से हाजिरी देने का, इतना डर। एक तो जमीनें हमारी गई है जिन पर हम लोग फसल उगाते थे, कोड़ी के भाव हमारी जमीनें गई है, और आज लोकतंत्र के नाम पर षड्यंत्र हमारे साथ हो रहा है। माननीय जितने भी पुलिस के बड़े पदाधिकारी हैं, अगला अधिकारी हैं या थाना के प्रभारी हैं, महोदय भले आपको आज इस भीड़ को देखकर गुस्सा आता होगा, भले आप अपनी नौकरी के दबाव में होंगे, लेकिन महोदय याद रखिएगा ये जो विशाल जमीन आप देख रहे हैं जहाँ वेदांता खड़ा है, यहाँ 2 रुपया से 10 रुपया से 200 रुपया डिस्ट्रिक्ट लिया गया है। यदि आपके परिवार में से आपके रिश्ते नाते में किसी का जमीन, इतना विशाल जमीन कोड़ी के भाव में लिया जाता, तब शायद आपको आभास होता कि ड्यूटी बड़ी कि इंसानियत बड़ा होता। कुछ दिन पहले हम सिंदरी गए थे, वहां तो अगर सिंदरी के जो 2-4 पुलिस अधिकारी तो स्पष्ट बोल रहे थे कि उसका एंट्री यहाँ होना नहीं चाहिए, हम एक ही लाइन में बोले कि वचन भी है तो आएंगे, उसको आपको जो करना है। हमने सिंदरी डीएसपी महोदय को भी एक ही लाइन कहा था कि आपको इतना बड़ा जमीन देख रहे हैं जहां आपका 12 थाना का पुलिस खड़ा है, सिंदरी में 12 थाना की पुलिस खड़ी थी जिसको हवाई अड्डा कहते हैं, हवाई पट्टी, पता है वह जमीन 2 रुपए डिस्मिल खरीदा गया है। इतना अन्याय पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ है। खैर जितने भी स्थानीय थाना प्रभारी महोदय आए हैं आपका धन्यवाद, आप जो भी मनसा लेकर आए हैं आपका आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम आप ड्यूटी निभाने के लिए यहां तक आए हैं।